हेलो एवरीवन आइए शुरुआत करते हैं खंड चार ग्यारह जी मैथ टेस्ट सीरीज़ में खंड चार जिसमें हम लोग बिंदु के निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंत तथा वाह खंड विभाजन जो कि कुल दस नंबर में आएगा तीन टेस्ट टेस्ट सीरीज में तीन टेस्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं आ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा आप लोग उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर वन लिया है एक मिलीमीटर इकाई मानकर वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेखन कीजिए ये पंद्रह दस है ये पंद्रह है पंद्रह दस पंद्रह माइनस दस माइनस पंद्रह माइनस दस और माइनस पंद्रह और दस तो इसको समझाने के लिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया है तो ग्राफ पेपर में हमने पैमाना माना है एक मिलीमीटर एक ही यानी ये एक मिलीमीटर दो दो का हमने पैमाना मान करके किया है तो जब बिंदुओं का निर्देश निर्धारण करना होगा तो देखिए पहला पंद्रह है दस है तो एक्स अक्स पर पंद्रह ये देखिए पूरा दो है तो ये इसका आधा ले लेंगे तो एक हो जाएगा ना तो पंद्रह का मतलब कि चौदह यहाँ और ये पंद्रह हो गया और वाई मान चूँकि दोनों धनात्मक हैं तो वाई मान के लिए हमको ऊपर जाना होगा कितना पाँच खाना अच्छा दस दिया है तो दस दिया है तो सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा पहला पॉइंट पंद्रह दस ये हो गया पंद्रह माइनस दस पंद्रह माइनस दस यानी कि एक्स का मान तो पॉजिटिव लेकिन वाई का मान निगेटिव यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक वाई का मान ऋणात्मक तो ये पंद्रह ले लें यहाँ और दस आ जाएंगे माइनस के साथ नीचे यहाँ पर ये हो गया पंद्रह माइनस दस ठीक है अब उसके बाद ये है माइनस पंद्रह माइनस दस यानी एक्स भी ऋणात्मक वाई भी ऋणात्मक यानी थर्ड थर्ड वाले में जाएगा इसमें तो एक्स का मान माइनस पंद्रह तो ये चौदह और यहाँ पे माइनस पंद्रह और वाई का मान माइनस दस ये यहाँ पर तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस पंद्रह माइनस दस और ये है माइनस पंद्रह और दस यानी x ऋणात्मक वाई धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश तो ये हो गया यहाँ पर पंद्रह और इसकी सीध में चले जाएंगे ऊपर दस पर यहाँ ये हो जाएगा माइनस पंद्रह और प्लस दस इसका हम अगर के नामकरण कर दें ए बी सी डी तो ये हो जाएगा पूरा इसका बस यही करना था इसमें यही आलेखन है और इसमें कुछ नहीं करना। कर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है चित्र बनाकर दिखलाओ कि निम्न बिंदु एक ही सीधी रेखा में है कहने का मतलब कि इसको ग्राफ पेपर पर पे दिखाना है और फिर उसकी उसको खींचना है ड्रा करना है ड्रा करना है तो ये देखना है कि क्या ये पांचों बिंदु एक ही सीधी रेखा में हैं तो पहले इनका हम आ, अंकन करें फिर उसके बाद उसको मिलाया जाए सभी पांचों बिंदुओं को मिलाया जाए देखा जाए क्या होता है तो पहला पॉइंट है एट एट यानी एक्स का मान भी आठ और वाई का मान भी आठ यानी यहाँ पर ये इसको हम कर दें पॉइंट ए निर्देशांक आठ आठ ठीक है दूसरा है आठ दो एक्स का मान तो आठ ही है लेकिन वाई का मान दो है ये बी है जिसका निर्देशांक है आठ दो तीसरा है आठ जीरो यानी कि इसी पर होगा सी जिसका निर्देशांक है आठ जीरो फिर इसके बाद आठ माइनस तीन एक्स का मान आठ वाई का मान माइनस तीन ये डी हो गया जिसका निर्देशांक है आठ माइनस तीन और आठ माइनस सात यानि कि यही रहेगा और ये जाएगा माइनस सात तक तो मुझे तो लगता है कि खींचने की ज़रूरत ही नहीं है एक ही लाइन में है खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लेकिन खींचना पड़ेगा देखिए ए बी सी डी ई पांचों बिंदुओं को हम मिलाए तो देख रहे हैं हमको एक सीधी रेखा मिल गई बस इसमें इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर थ्री में सिद्ध करो कि बिंदु जिनके निर्देशांक वन थ्री फाइव जीरो इतना है एक वर्ग के शीर्ष हैं उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई याद कीजिए देखिए चारों शीर्षों के एक चतुर्भुज के चारों शीर्षों के हम मान लेते हैं चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक इसको ए इसको बी इसको सी इसको डी मान लेते हैं तो ए वन थ्री बी फाइव जीरो सी टू माइनस फोर और डी माइनस टू माइनस वन एक वर्ग के शीर्ष हैं ठीक है एक वर्ग के शीर्ष हैं अच्छा एक रफ में बना दे रहा ए वन थ्री बी फाइव ज़ीरो सी टू माइनस फोर और डी माइनस टू माइनस वन देखिए ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हो इसके लिए ज़रूरी है कि ए बी भुजा ए बी निकालें बी सी निकालें सी डी निकालें और ए डी निकालें तो चारों भुजाओं का मान बराबर आना चाहिए क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर, चारो बराबर होती हैं और विकर्ण ए सी और बी डी ये निकालें तो ये भी बराबर होना चाहिए अगर ये कंडीशन मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये वर्ग है तो जब वर्ग सिद्ध हो जाएगा तो विकर्ण की लंबाई हम निकालेंगे ही क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग तो उससे निकल जाएगा तो हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे वर्ग की भुजा के लिए ए बी पे निकालें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम देखिए डायरेक्ट निकालेंगे एक माइनस पाँच का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 का वर्ग ये 4 होगा माइनस 4 का वर्ग 16 या 3 9 कितना हो गया 25 यानी कि 5 5 इकाई उसके बाद BC लें इसी तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की सहायता से BC 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फोर यानी कि जीरो प्लस फोर हो जाएगा तो ये हो गया तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह पच्चीस होगा इसका मान आ जाएगा पाँच सी डी सी डी दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू प्लस टू फोर टू प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस माइनस वन यानी कि माइनस फोर प्लस वन होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये चार सौ का सोलह यहां माइनस थ्री कवर करेंगे तो नौ पच्चीस हो जाएगा इसका मान भी आ गया 5 सही ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं एक चीज तो है कि जैसे मिलना चाहिए वैसे मिल रहा है डी ये निकाल लें तो माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो ये हो गया माइनस थ्री का होल स्क्वायर नौ और प्लस सोलह कितना आ गया पच्चीस उसका वर्गमूल निकालेंगे पाँच तो ये तो हो गया यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए लेकिन अभी इसको हम वर्ग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन तो समचतुर्भुज में भी होता है है ना समचतुर्भुज में समचतुर्भुज में भी चारों हो जाएं, बराबर होती हैं ये वर्ग होगा इसके लिए सिद्ध करना होगा हमको कि विकर्ण बराबर हो तो विकर्ण के लिए ए सी और बी डी तो ए सी निकाल लें ए सी मतलब इसको इसको तो वन माइनस टू वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री प्लस फोर का होल स्क्वायर तो ये हो गया माइनस वन यानी एक आ जाएगा और ये सात का वर्क एक प्लस उनचास यानी कि हो गया अंडर रूट पचास इसको फाइव रूट टू लिखने की जरूरत नहीं है रहने दीजिए इसको फिर बी डी लें तो बी डी बी और डी यानी फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस तो जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये सात हो गया सात का वर्ग उनचास और प्लस वन का वन यानी ये भी आ गया अंडर रूट फिफ्टी तो अब ये देखिए दोनों बिकर्ण भी, भी बराबर हो गए इसका मतलब ये हो गया अतः ये तो हमने दिखाई दिया ए सी बराबर बी डी यहाँ पर अब अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा ठीक है न भाई ए सी बराबर बी डी बराबर अंडर रूट पचास कर दीजिए या इसको फाइव रूट टू भी कर सकते हैं क्योंकि पच्चीस बिना पचास होगा पच्चीस का वर्गमूल पाँच और दो अंदर ही रह जाएगा और उसके बाद क्या निकलना क्षेत्रफल निकलना है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है भुजा कोई भी ले लें सब पाँच है पाँच का वर्ग यानी कि पच्चीस वर्ग इकाई ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर फोर भी आ, उसी तरह से है सिद्ध कीजिए कि की बिंदु वन माइनस टू थ्री जीरो वन टू एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं ये सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए फिर उसमें हम बड़ी भुजा का वर्क करेंगे और दो छोटी भुजाओं का वर्क करके जोड़ेंगे देखेंगे अगर दोनों मान बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना होगा ना तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए वन माइनस टू बी थ्री जीरो सी वन टू एक त्रिभुज के शीर्ष हैं अभी समकोण नहीं कहें त्रिभुज के क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज हालांकि सिद्ध करने के लिए कह रहा तो है तो समकोण होगा ही के शीर्ष हैं तो ए भी निकाल लें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस जीरो यानी माइनस टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये माइनस टू कवर करेंगे चार यहाँ भी वर्क करेंगे तो चार तो चार प्लस चार यानी कि अंडर रूट आठ रहने दीजिए उसको ऐसे बी सी निकाल लें थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर तो ये तो हो गया दो का वर्ग चार यहाँ भी चार ये भी हो गया अंडर रूट आठ अब निकाल लें ए सी ए सी बराबर क्या हो जाएगा देखिए वन माइनस वन वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू का होल स्क्वायर ये तो जीरो हो गया और ये माइनस चार वर्क करेंगे तो जीरो प्लस सोलह यानी कि ये हो गया चार अब हमको क्या करना देखिए ये चार है ये बड़ा है ये छोटे इसका मान चार से छोटा इसका मान चार से छोटा ये चार ये सबसे बड़ी भुजा हो गई यानी कि ए सी जो है सबसे बड़ी भुजा हो गई है ना तो ए सी पहले ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम निकलने जा रहे हैं तो ए बी का मान अंडर उट आठ इसका वर्क कर दें बी सी का मान अंडर उट आठ इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये हो गया आठ प्लस आठ यानी कि सोलह है ना ए सी स्क्वायर बराबर चार का स्क्वायर यानी सोलह देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान सोलह है ए सी स्क्वायर का मान भी सोलह है इसका मतलब क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ये जो कंडीशन होता है एक समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा ठीक है ना ये सिद्ध भी करना था अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना विभाजन से संबंधित प्रश्न आ गए तो बिंदु सल्यूशन पहले लिख लें बिंदु दो छ और माइनस छ माइनस दो को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो, तो सिंपल है यहाँ पर एक्स वन बराबर हम दो लिख दें वाई वन बराबर सिक्स लिख दें एक्स टू बराबर सिक्स एंड वाई टू सॉरी यहाँ पे माइनस होगा नहीं ठीक है ठीक है ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू यहाँ पर माइनस सिक्स लगा दें और यहाँ पे माइनस टू ठीक तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मध्य हम जानते हैं कि ये बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए लेकिन प्रैक्टिस के लिए चूंकि हमको सभी टाइप के क्वेश्चन देने हैं इसलिए मध्य बिंदु वाला भी दिया है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड y1 वन प्लस वाई टू बाई टू मानक दीजिए x1 वन टू और प्लस माइनस सिक्स तो यहाँ पे माइनस सिक्स हो जाएगा बाई टू वाई वन सिक्स और प्लस माइनस टू तो माइनस टू हो जाएगा तो यहाँ हो गया माइनस फोर बाई टू यहाँ पर फोर बाई टू यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा काटेंगे तो यहाँ माइनस टू और यहाँ पर प्लस टू ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस थ्री एट और सेवन थ्री को मिलाने वाली रेखा को ग्यारह चार के अनुपात में अंत विभाजित करता है ये अनुपात है और अंत विभाजित करता है तो अंत विभाजित करता है कि फार्मूले में प्लस होता है वाहता वाले में माइनस लगाते हैं ये फार्मूला आप लोग को याद ही होगा तो चलिए यहाँ पर हम इसको हम कर दें एक्स वन बराबर माइनस थ्री वाई वन बराबर एट एक्स टू बराबर सेवेन एंड वाई टू बराबर थ्री यहाँ पर देखिए इसको यम मान हैं इसको यम एम बराबर ग्यारह और एन बराबर फोर ठीक है तो बिंदु का निर्देशांक बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे में एम प्लस एन ये तो एक्स के एक्स का निर्देशांक वाई के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे में एम प्लस एन ये तो फार्मूला है मान रख देते हैं एम ग्यारह एक्स टू सात प्लस एन चार एक्स वन माइनस थ्री बटे में ग्यारह प्लस चार इधर एम ग्यारह वाई टू तीन प्लस एन चार वाई वन आठ बटे में ग्यारह प्लस चार तो ग्यारह सत्रह सतहत्तर हो गया और माइनस बारह बटे में पंद्रह और यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह तीस तैंतीस और प्लस बत्तीस बटे में पंद्रह यहाँ पे हो जाएगा ये पाँच छः पैंसठ बटे में पंद्रह और यहाँ पर ये भी पैसा अरे दोनों बराबर है पाँच अगर काट देते हैं तो पाँच या पंद्रह या तेरह पाँच या पंद्रह या तेरह यानी कि हो गया निर्देशांक तेरह बटा तीन तेरह बटा तीन ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस टू फाइव और प्लस सेवन वन को मिलाने वाली रेखा को चार संबंधित तीन के अनुपात में वाहता विभाजित देखिए ये वाहता है ये अनुपात है और ये दोनों बिंदु हैं तो जो हम लोग छठवा किए थे अंत वाला इसमें वाहता करना है तो इसमें ध्यान देना है कि वाहता के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे एक्स वन बराबर माइनस टू वाई वन बराबर फाइव एक्स टू बराबर सेवन एंड वाई टू बराबर वन एम बराबर चार एन बराबर थ्री ये एम ये एन ये हो गया तो अच्छा इसमें अंतर विभाग नहीं नहीं। यहाँ पर लिखेंगे वाह विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे में एम माइनस एन और एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे में एम माइनस एन ये हो गया यहाँ समान रखते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए एम का मान चार गुड़े एक्स टू सात माइनस एन का मान तीन गुड़े एक्स वन माइनस दो बटे में चार माइनस तीन ये तो एक्स के लिए हो गया इसके इसका मान रखें एम का मान चार वाई टू एक माइनस एन का मान तीन वाई वन पाँच और बटे में एम चार माइनस एन तीन सात चौक अट्ठाईस हो गया यहाँ पे ये माइनस है माइनस माइनस जब गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा अट्ठाईस तो प्लस छः और बटे में एक यहाँ पर चार और माइनस पंद्रह हो जाएगा यहाँ पर और बटे में एक तो ये तो हो जाएगा अट्ठाईस छः चौंतीस और बटे में एक है तो कोई दिक्कत नहीं है वो हटा देंगे और यहाँ पर माइनस ग्यारह हो गया यही आंसर हो जाएगा